के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस के ऊपर, यानी वायरस की जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, और उसके जो प्रोटीन्स है, कोट आवरण है, वो किन किन चीजों से वेक्टर बने हैं, उसकी सिमेट्री किस तरीके की होती है, और उसका जो कल्टिवेशन है यानी उसको ग्रोथ किस तरीके से करवा के देखते हैं अपन, वो सारा क्या आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिछले के लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि वायरस की वायरस सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी देखी थी कि क्या होती है, और फिर वायरोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, वो सभी क्या है डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, यानी वायरस की मॉर्फोलॉजी यानी उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर यानी संरचना किस तरीके की है। तो सबसे पहले देखिए कि उसका साइज क्या है। तो वायरस आर मच स्मॉलर देन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में यानी कोई जैविक नहीं, कोई घटक वायरस क्या है कि अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में है बहुत ही कम साइज का होता है, यानी मच स्मॉलर यानी बहुत छोटा होता है, जिसको अपन देख नहीं सकते। तो वायरस आर मच स्मॉलर देन ऑर्गेनिज्म, वायरस अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, यानी सबसे कम साइज जो है किसकी होती है, वायरस की होती है। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टियस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरस, और जो वायरस का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल है जो इन्फेक्टियस यानी इन्फेक्शन कोज करता है, वो पार्टिकल क्या है, वायरस है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ वायरस रेंजेस फ्रॉम 20 to 300 nm इन डायमीटर, यानी तो वायरस की साइज की रेंज होती है वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 300 nm, यानी कि है 20 to 300 nm के डायमीटर, यानी 20 to 300 nm के बीच में होती है, उसका डायमीटर इतना होता है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वायरस इज द स्मॉल पॉक्स, यानी सबसे बड़ा जो वायरस है वो क्या है, स्मॉल पॉक्स का है, यानी क्या है, जिसका साइज कितना, 300 nm यानी 300 nm। And the smallest is the parvovirus. और सबसे छोटा वायरस कौन सा है, पैरोवायरस है, जिसका साइज कितना है, 20 nm यानी 20 nm है, 20 nm है। तो सबसे छोटा वायरस कौन सा, पैरोवायरस, और सबसे बड़ा कौन सा, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी क्या है, जो छोटी माता वगैरह कोस करते हैं, यानी क्या है, मॉम्स वगैरह कोस करते हैं, यानी छोटे छोटे जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, फालिस हो जाते हैं शरीर के ऊपर। अगर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो तो क्या है, अलग अलग लीजन्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो शुरू से देखिए कि मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है वायरस की, तो साइज क्या है इसका, वायरस आर मच स्मॉलर देन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी अन्य ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में वायरस क्या है, बहुत ही छोटा होता है। द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टियस वायरस इज कॉल्ड वायरस, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है जो इन्फेक्शन कोज करता है वायरस के अलावा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, वायरस बोलते हैं। द साइज ऑफ वायरस रेंजेस फ्रॉम 20 to 300 nm इन डायमीटर, यानी जो वायरस के नॉर्मल रेंज है, साइज के अप्रोक्सीमेट जो रेंज है वो कितनी है, 20 to 300 nm है, नैनोमीटर है। और द लार्जेस्ट वायरस इज स्मॉल पॉक्स एंड द स्मॉलेस्ट इज पैरोवायरस, और जो लार्जेस्ट वायरस है यानी सबसे बड़ा जो वायरस है वो कौन सा, स्मॉल पॉक्स, जिसका साइज कितना है, 300 nm है। स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा, पैरोवायरस है, जिसका साइज कितना है, 20 nm यानी 20 nm है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री, यानी स्ट्रक्चर का मतलब तो उसकी संरचना, और सिमेट्री मतलब सममिति, यानी इसको डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले वायरस कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम सराउंडेड बाय ए कोट, प्रोटीन कोट, एसिड, यानी द वायरस कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड, द वायरस या वायरस जो है वो किससे कंसिस्ट हुआ है, किससे मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है, यानी जीनोम से। जीनोम का मतलब क्या है, DNA या फिर RNA, यानी तो जेनेटिक पार्टिकल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होती है उससे मिलकर बना है, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जो जीनोम है वो किससे घिरा रहता है, किससे सराउंडेड है, तो प्रोटीन कोट से, यानी एक प्रोटीन का कोट उसको चारों तरफ से
ढके रहता है, और जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं अपन, द कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड टुगेदर विद एनक्लोज न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोक एसिड, यानी द कैप्सिड टुगेदर विद न्यूक्लियर, जो एसिड किसके साथ, एनक्लोज न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड के साथ में, साथ में इज नोन एज द न्यूक्लियोक एसिड, न्यूक्लियोक एसिड यानी इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोक एसिड बोलते हैं, यानी कैप्सिड को और न्यूक्लिक एसिड को दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोक एसिड बोलते हैं। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड व्हिच आर नोन ओवर नोन एज कैप्समर, यानी जो कैप्सिड है, कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन, यानी जो कैप्सिड है वो किससे कंपोज्ड हुआ है, तो जो लार्ज एक बड़ी मेम्ब्रेन किसकी, प्रोटीन, और प्रोटीन किससे बनी है, सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन किससे बनी है, छोटी छोटी यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड की यूनिट से मिलकर प्रोटीन बनी है, और उसकी जो मेम्ब्रेन बनती है उनके अलग अलग मेम्ब्रेन से क्या बना है, लार्ज मेम्ब्रेन से कैप्सिड बना है, विच नोन विच आर नोन एज कैप्सोमर, उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, उन मेम्ब्रेन की लेयर को क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। कंटेन वायरस आल्सो कंटेन एनवेलप दैट सराउंडेड द न्यूक्लिक एसिड, इट इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर, और सर्टेन वायरस यानी कुछ वायरस के पास क्या होता है, कंटेन एनवेलप, वो क्या रखते हैं, एनवेलप रखते हैं, यानी कवर रखते हैं, आउटर कवर, दैट सराउंडेड द न्यूक्लिक एसिड, तो किसको कहते रखता है, न्यूक्लिक एसिड को, यानी जीनोम को, इट इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर, और जो कैसा होता है नेचर के अंदर क्या होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर होना है। शुरू से देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कैसी है वायरस की, द वायरोन कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड, यानी वायरस किससे मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है, यानी जीनोम से मिलकर बना है, और ये जो जीनोम है, जीनोम है वो किससे घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन कोट से क्या है, ये घिरा हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, द कैप्सिड बोलते हैं। नेक्स्ट, द कैप्सिड टुगेदर विद एनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज द न्यूक्लियोक एसिड, यानी कैप्सिड और जो न्यूक्लिक एसिड है उन दोनों को एक साथ में अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट, द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन, यानी जो कैप्सिड है किससे मिलकर बना है, बड़ी मेम्ब्रेन से, किससे, प्रोटीन की सब यूनिट से, यानी प्रोटीन की यूनिट मिलकर क्या बनाती है, मेम्ब्रेन बनाती है, उससे क्या बना है, कैप्सिड बना है, और ये जो प्रोटीन की सब यूनिट है वो किससे कंपोज्ड हुई है, पॉलीपेप्टाइड से, विच आर नोन एज कैप्सोमर, और इन प्रोटीन यूनिट्स को और इस प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। नेक्स्ट, कंटेन वायरस आल्सो कंटेन एनवेलप दैट सराउंडेड द न्यूक्लिक एसिड, इट इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर, और कुछ वायरस किससे मिलकर बने हैं, एनवेलप से मिलकर बने हैं, दैट सराउंडेड द न्यूक्लिक एसिड, तो किससे घिरे रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड से घिरे रहते हैं, यानी जो कुछ वायरसेस किससे मिलकर किससे बने हैं, जिनके पास क्या होता है, कंटेंस एनवेलप, यानी एनवेलप को रखते हैं, तो किसको कह रहे रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को, उनसे एनवेलप का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, जिसका नेचर कैसा होता है, लाइपोप्रोटीन के अंदर होता है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बना है।
symmetry, any symmetry. Three types of symmetry are determined by the arrangement of peptide around the nucleic acid core. यानी तीन प्रकार की सिमेट्री होती है वायरस में जो डिटरमाइन की गई है डिटेक्ट के लिए पता लगाया गया है किसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैप्सिड के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तो किसके घेरे रहता है किसको घेरे रहता है न्यूक्लिक एसिड कोर को घेरे रहता है यानी प्रोटीन का जो कोर होता है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वायरस की क्या है अलग अलग तीन प्रकार की सिमेट्री को डिसाइड किया गया है और वो कौन सी है तो सबसे पहले देखिए हेलिकल सिमेट्री फिर स्पाइरल सिमेट्री तो कैसी शेप की होती है यानी जो स्पाइरल शेप की होती है यानी सांप के आकार के तरीके से दूसरा है इकोसेड्रल सिमेट्री तो कैसी होती है क्यूबिकल सिमेट्री यानी क्या है चौरस यानी क्यूबिक के जैसी सिमेट्री होती थी सी और तीसरी क्या है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री यानी जटिल जिसको अपन क्या है डिफाइन नहीं कर सकते सही तरीके से यानी अलग अलग स्ट्रक्चर उसमें होती है तो इसमें देखिए कि सिमेट्री क्या है तो सिमेट्री क्या है थ्री टाइप ऑफ सिमेट्री are determined by the arrangement of capsid around the nucleic acid core yani teen prakar ki symmetry detect ki gayi determine ki gayi pata lagaya gaya hai jo kiske arrangement ke according hai ki nucleic acid core ke according hai aur wo teen prakar ki symmetry kaun si hai ek to helical yani symmetry spiral symmetry hai ek icosahedral yani cubical symmetry hai yani spiral ka matlab jo saap ki jaisi theek hai देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वायरस की क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका नेचर कैसा होता है केमिकल नेचर देखिए न्यूक्लिक एसिड यानी जो डीएनए होता है जीनोम होता है वो किस प्रकार का होता है देखिए न्यूक्लिक एसिड के अंदर उसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती है यानी किस प्रकार का उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है तो वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल बट नॉट बोथ वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए वायरस क्या है एक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है डीएनए या आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में बट नॉट बोथ दोनों एक साथ नहीं रख सकता वायरस विच कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल आर एज आर कॉल्ड डीएनए वायरस एंड दो कंटेनिंग आरएनए कॉल्ड आरएनए वायरस यानी जो वायरस क्या है डीएनए रखता है जेनेटिक मटेरियल में उसको क्या बोलते हैं डीएनए वायरस और जो वायरस आरएनए रखता है उसको क्या बोलते हैं आरएनए वायरस बोलते हैं नेक्स्ट अनलाइक अदर लिविंग सेल वेयर डीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ऑलवेज ए जेनेटिक मटेरियल यानी अदर सेल्स के लिविंग सेल्स के अंदर क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है ए वायरस जीनोम मे कंसिस्ट ऑफ लाइमर और सर्कुलर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड लाइमर आरएनए और क्या है डबल स्टैंडर्ड लाइमर आरएनए यानी क्या है कि अनलाइक अदर लिविंग सेल वेयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ऑलवेज एज ए
जेनेटिक मटेरियल, यानी अगर जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन इन वायरल जीनोम यानी एक वायरल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे बनाया, मे कंसिस्ट ऑफ लाइनर ऑफ सर्क्यूलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी एक वायरस के अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड और सर्क्यूलर डीएनए भी मिल सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिल सकता है, अगर सिंगल स्टैंडर्ड लाइनर आरएनए भी मिल सकता है और डबल स्टैंडर्ड लाइनर आरएनए भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है वायरल प्रोटीन एंड लिपिड। वायरल प्रोटीन या लिपिड क्या है, उसमें प्रोटीन या वायरस के अंदर जो वायरस से रिलेटेड जो प्रोटीन है, लिपिड है, वो क्या है, तो वायरस कंटेन प्रोटीन विद मेकअप ऑफ एसिड, यानी वायरस का प्रोटीन से क्या लेना देना है, यानी क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो वायरस के अंदर प्रोटीन क्या करती है, उसका कैप्सिड बनाती है जो न्यूक्लिक एसिड को लगे रहता है, यानी उसका प्रोटीन कोट होता है। इन केस ऑफ एनवलप्ड वायरस दे कंटेन लिपिड, और एनवलप्ड जो वायरस है उनके अंदर क्या होता है कि लिपिड रिप्रेजेंट रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा एनवलप किससे बने होते हैं वायरस के, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। शुरू से देखिए एक बार न्यूक्लिक एसिड को, कि वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए का जेनेटिक मटेरियल बट नॉट बोथ, यानी वायरस क्या है कि डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल, सॉरी वायरस के अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं रहते। नेक्स्ट वायरस विच कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए वायरस, यानी ऐसे वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा प्रेजेंट हो, डीएनए प्रेजेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं, डीएनए वायरस। एंड दोज कंटेनिंग आरएनए कार्ड आरएनए वायरस, और दो वायरस क्या रखते हैं, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आरएनए वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट अनलाइक अदर लिविंग सेल देयर डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ऑलवेज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी अदर जो लिविंग सेल्स है उनके अंदर क्या है, मोस्टली क्या प्रेजेंट रहता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहता है। ए वायरल जीनोम मे कंसिस्ट ऑफ लाइनर और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी एक वायरल जो जीनोम है जेनेटिक मटेरियल है वो किससे कंसिस्ट हो सकता है, किससे मिलकर बना हो सकता है, तो लाइनर या फिर एक सिंगल या फिर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मिलकर बना हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बन सकता है, और क्या है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड लाइनर आरएनए, यानी डबल स्टैंडर्ड लाइनर आरएनए भी मिल सकती है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लाइनर भी मिल सकती है उसमें, और क्या मिल सकती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट वायरल प्रोटीन एंड लिपिड, तो वायरस कंटेन्स प्रोटीन विच मेकअप ऑफ द कैप्सिड, वायरस प्रोटीन को रखता है किस रूप में, कैप्सिड के रूप में, यानी कैप्सिड उसमें प्रेजेंट रहती है जो प्रोटीन को उसको वायरस को कवर करती है, उनको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। द केस ऑफ एनवेलप वायरस, यानी ऐसे वायरस जो एनवेलप रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो क्या रखते हैं, लिपिड्स रखते हैं, यानी प्रेजेंट इन द एनवेलप। आपको पता है कि लिपिड जो एनवेलप है वो किससे मिलकर बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन से। नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेशन ऑफ वायरस, यानी वायरस को ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं, उसको आइसोलेट और उसको चेक किस तरीके से करते हैं कि वो कौन से साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है और कौन सी डिजीज है और कौन सी डिजीज के अंदर कौन सा वायरस प्रेजेंट रहता है। तो एज वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल, और सभी वायरस जो है वो क्या है कि किसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, किसके अंदर ग्रोथ शो करते हैं, लिविंग सेल के अंदर, यानी इंट्रा सेल के अंदर। दे कैन नॉट ग्रो एन एनी ऑफ द इनएनिमेट कल्चर मीडियम, वो क्या है किसी भी प्रकार के इनएनिमेट कल्चर मीडियम में ग्रोथ नहीं करते। इनएनिमेट कल्चर मीडियम का मतलब होता है ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवा के इस चीज को ग्रोथ करवा सके,
लेकिन वायरस उस मीडियम में ग्रोथ नहीं कर सकते। दीज मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर कल्टिवेशन ऑफ वायरस, और ये मेथड्स हैं जो क्या है वायरस कल्टिवेशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं। एक तो एनिमल इनोकुलेशन, एक एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन और एग सेल कल्चर। तो तीन प्रकार के मेथड है वायरस कल्चर के, जिनसे क्या है वायरस का कल्चर किया जा सकता है। एक तो एनिमल इनोकुलेशन, एक क्या है एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन और क्या है सेल कल्चर। इन तीनों ही मेथड से क्या है कि वायरस का कल्टिवेशन किया जा सकता है। तो वायरस क्या है हमेशा लिविंग सेल के अंदर ही ग्रोथ करते हैं, जिंदा सेल के अंदर ही। वो क्या है इन एनिमेट कल्चर मीडियम में ग्रोथ कभी भी शो नहीं करते। और वायरस को कल्टीवेट करने के तीन मेथड है। एक तो एनिमल इनोकुलेशन, यानी किसी एनिमल एनिमल के अंदर वायरस को इंजेक्ट करवा के उसके अंदर उसकी ग्रोथ वगैरह देखना, वो कैसी कॉलोनी फॉर्म करता है, क्या डिजीज कोज करता है। दूसरा एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन, यानी जो अनडेवलप्ड एग है जो अभी डेवलपमेंटेड फेज के अंदर है उस एग के अंदर वायरस को इंजेक्ट करवा के भी उसका कल्टिवेशन किया जा सकता है। और तीसरा क्या है सेल कल्चर, यानी कि सेल के अंदर वायरस को इंजेक्ट करवा के उसका भी कल्टिवेशन किया जा सकता है। यानी कोई लीवर सेल हो, कोई भी सेल हो, ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन ऑर्गन की या फिर अदर किसी एनिमल के ऑर्गन की। नेक्स्ट देखिए एनिमल इनोकुलेशन, यानी क्या है वायरस कल्टीवेशन का फर्स्ट मेथड। तो इन्फेंट्स या सगलिंग माइस आर यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ पर्बोवायरस एंड कोक्स वायरस, मेनी ऑफ व्हिच डू नॉट ग्रो इन एनी अदर सिस्टम। एंड इन्फेंट्स यानी सगलिंग जो माइस है या फिर चूहा है, यानी जो बच्चा है छोटा चूहे का, उसको काम में लिया जाता है। आर यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ पर्बोवायरस, यानी पर्बोवायरस को आइसोलेट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, सकली माइस को या इंफेंट माइस को, छोटे बच्चे को, चूहे को। और कोक्स वायरस को भी इसमें आइसोलेट किया जा सकता है। मैनी ऑफ विच यानी जिसमें से डू नॉट ग्रो इन अदर सिस्टम, और जिसके अंदर से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंफेंट माइस के अलावा अदर किसी सिस्टम के अंदर भी ग्रोथ शो ही नहीं करते। नेक्स्ट आफ्टर इनोक्युलेशन एनिमल आर ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डिजीज और डेथ। और जैसे ही वायरस उसके अंदर ग्रोथ करेगा वाइस के अंदर, तो क्या है उसको ऑब्जर्व किया जाता है डिजीज साइन के साथ, यानी कि वो कौन से प्रकार के डिजीज कोज कर रहा है वायरस के अंदर या क्या उसके साइन एंड सिम्टम है और कैसे उस किस तरीके से क्या है जो माइस है उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट लेटर ऑन दे आर सैक्रीफाइड एंड टिश्यूज आर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस। और लेटर यानी उसके साथ क्या है कि जो माइस के ऑर्गन से टिश्यूज है उनको भी सैक्रीफाइस किया जाता है, अलग किया जाता है, किस चीज के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ वायरस, यानी उनके अंदर भी देखते हैं कि वायरस की प्रेजेंस है या नहीं है, यानी वायरस किस प्रकार से डिजीज कोज कर रहा है, यानी ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम कोज कर रहा है, ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम कोज कर रहा है, माइंड के अंदर प्रॉब्लम कोज कर रहा है। तो अलग अलग उसके टिश्यू को सैक्रीफाई करके उसको अलग तरीके से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट डिसाइड माइस अदर एनिमल्स एंड फेरेट आर ऑल्सो यूज इन सम सिचुएशन। और माइस के अलावा अदर एनिमल्स भी काम लिए जाते हैं एनिमल इनोकुलेशन के अंदर, जैसे जीनिया पिग हो गया, रेबिट हो गया, फेरेस्ट हो गया, इन सभी को अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम में लिया जाता है। जरूर से देखिए कि इन्फेंट माइस आर यूज इन द आइसोलेशन ऑफ पर्बोवायरस एंड कोक्स वायरस, यानी इन्फेंट का माइस है यानी छोटा बच्चा जो है चूहे का, उसको काम में लिया जाता है किसको, पर्बोवायरस और कोक्स वायरस को आइसोलेट करने के लिए, यानी उनकी ग्रोथ चेक करने के लिए, उनका कल्टिवेशन करने के लिए। मेनी ऑफ विच डू नॉट ग्रो इन अदर एनी मीडियम या एनी सिस्टम, और इनमें कुछ वायरस अलग किसी सिस्टम में ग्रोथ शो नहीं करते। आफ्टर इनोकुलेशन यानी जैसे ही उसमें ग्रोथ होगी, यानी कॉलोनी डेवलप होगी वायरस की, वायरस ऐसे तरीके से फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद एनिमल आर ऑब्जर्व, एनिमल को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको चेक किया जाता है फॉर साइन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के साइन एंड सिम्टम चेक करने के लिए,
डिजीज के लक्षण चेक करने के लिए वो किस तरीके से वो टेस्ट करता है पाइल्स की। लेटर ऑन दे आर सैक्रिफाइड एंड टिश्यू आर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस। और तो क्या है कि उसके अलग अलग ऑर्गन्स को भी चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। बी साइड माइस अदर एनिमल्स सच एज जिनिया पिग रैबिट एंड पैरेट्स आर आल्सो यूज्ड इन सम सिचुएशन। और जैसे क्या है माइस यानी चूहे के अलावा क्या है अलग एनिमल्स को भी काम में लिया जाता है, जैसे जिनिया पिग हो गया, रैबिट हो गया, पैरेट हो गया, इन सभी को अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनिमल इंफेक्टेशन में काम में लिया जाता है। देखिए एम्ब्रियोनेटेड एग इलोकुलेशन यानी क्या है, डेवलपमेंटेड एग के अंदर अपन वायरस को किस तरीके से इनोकुलेट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं, किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। वायरस के डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग सॉरी एग के डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग कैविटीज होती है, उन अलग अलग कैविटीज के अंदर अलग अलग वायरस क्या है ग्रोथ करता है। अलग अलग कैविटी में अलग अलग मटीरियल होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में ग्लूकोज होता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है ग्रोथ वायरस अपनी ग्रोथ शो करता है। जैसे देखिए कोरिएलेंटिक एलेंटोरिक मेम्ब्रेन यानी CAM में कौन सा वायरस ग्रोथ करता है, तो CAM के अंदर अगर आपको कौन सा वायरस इंजेक्ट करवाए पॉक्स वायरस इंजेक्ट करवाते हैं तो वो क्या है ग्रोथ करता है अच्छे तरीके से। यानी कोरिएलेंटोरिक मेम्ब्रेन के अंदर CAM इज इनोकुलेटेड मेनली फॉर ग्रोइंग पॉक्स वायरस। CAM को मोलिंग किसको इनोकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है पॉक्स वायरस को। इट प्रोड्यूस विजिबल कॉलोनी और ये क्या है विजिबल लीजन शो करता है यानी एग के अंदर यानी घाव शो करता है पॉक्स बोलते हैं जिनको। नेक्स्ट है एलेंटोइक कैविटी। एलेंटोइक कैविटी में क्या बोलते हैं एलेंटोइक इनोकुलेशन इज इम्प्लॉयड फॉर प्रोविंग इन्फ्लुएंजा वायरस फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन यानी एलेंटोइक जो कैविटी है उसको किस कौन से वायरस को इनोकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं काम में लेते हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस को इनोकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं और उससे क्या वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एमनियोटिक कैविटी। जो एमनियोटिक कैविटी उसमें क्या डालते हैं तो इनोकुलेशन एंटर इन द इनटू द एमनियोटिक सैक इज मेनली यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस यानी क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस का प्राइमरी जो आइसोलेशन है सबसे पहले वो किसमें किया जाता है एमनियोटिक कैविटी में। नेक्स्ट है योल्क सैक इनोकुलेशन। और योल्क सैक के अंदर अपन कौन सी वायरस को इनोकुलेट करते हैं तो इट इज इनोकुलेटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सम वायरस एंड सर्टेन बैक्टीरिया यानी योल्क सैक जो इनोकुलेशन है उसको कुछ वायरस और कुछ बैक्टीरिया उन दोनों की ग्रोथ के लिए काम में रहते हैं, जैसे क्लैमाइडिया हो गया या फिर रिकेटेशिया हो गया, इन दोनों के लिए क्या है ग्रोथ चेक करने के लिए अपन काम लेते हैं। तो ये पांच प्रकार की कैविटी है जिनको क्या है एग इनोकुलेशन के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा सेल कल्चर के ऊपर यानी थर्ड जो मेथड है कल्टिवेशन का उसके ऊपर। और क्या है डायग्नोसिस ऑफ वायरस यानी वायरस को डायग्नोज किस तरीके से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।